there. In fact, he's also in Thane right now. Remember, he's launching a spate of. हमारी सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है. लेकिन इसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों के गड्ढों को भी भरना है. आप याद करिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई ठाणे जैसे शहरों को किस तरफ लेकर जा रहे थे. शहर की आबादी बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं था. मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी, उसके थमने ठप होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी. हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है. आज मुंबई महानगर में लगभग 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है. आज मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर कोस्टल रोड से 12 मिनट में पूरा हो रहा है. अटल सेतु ने दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच उस दूरी को भी कम कर दिया है. ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत टनल प्रोजेक्ट में तेजी आई है. ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट हैं जो मैं गिनता जाऊं तो लंबा समय निकल जाएगा. वर्सोवा से बांद्रा सी ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट से इन शहरों की तस्वीर बदल रही है. इसका बहुत बड़ा फायदा मुंबई के लोगों को होगा. इनसे मुंबई और आसपास के शहरों में मुश्किलें कम होगी, यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे. साथियों, आज एक तरफ महायुति सरकार है जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है, दूसरी ओर कांग्रेस और महाआघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं. महाआघाड़ी वालों को विकास के कामों को सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना ही आता है. मुंबई मेट्रो खुद इसकी सबसे बड़ी गवाह है. मुंबई में मेट्रो लाइन 3 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी. इसका 60% काम उनके कार्यकाल में हो भी गया था, लेकिन फिर महाआघाड़ी की सरकार आ गई. महाआघाड़ी वालों ने अपने अहंकार में मेट्रो का काम लटका दिया. 2.5 साल तक काम अटके रहने से प्रोजेक्ट की कीमत 14,000 करोड़ रुपए बढ़ गई. ये 14,000 करोड़ रुपया ये किसका पैसा था?
क्या ये पैसा महाराष्ट्र का नहीं था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र के नागरिकों का नहीं था? ये महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा था। भाइयों बहनों, एक और काम पूरा करने वाली महायुति सरकार, दूसरी ओर विकास को रोकने वाले महाअघाड़ी के लोग। महाअघाड़ी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो महाविकास विरोधी लोग हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था, इन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को ठप करने की पूरी साजिश की। जब तक ये सत्ता में रहे, इन्होंने बुलेट ट्रेन के काम को आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने तो महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट तक को नहीं बख्शा। जो काम महाराष्ट्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए शुरू हुए थे, महाअघाड़ी सरकार ने उन्हें भी रोक कर रखा था। ये आपका हर काम रोक देते थे, अब आपको इन्हें रोक देना है। महाराष्ट्र में विकास के इन दुश्मनों को सत्ता के बाहर ही रोक देना है, सैकड़ों मील दूर रखना है। साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। All right, Prime Minister over there in Maharashtra launching a spate of infrastructural projects. But with that, let's also now shift focus over to Bengal. In a heart-wrenching incident, a 10-year-old girl was allegedly raped and killed in West Bengal's South 24 Parganas district. The incident occurred in the Kurpakhali area.